चुनाव पंडितों की अटकलों से बिल्कुल उल्टा इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो लहर देखी गई वो 2014 से भी ज़्यादा मजबूत थी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए एक चेतावनी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में से 70 में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सफल नहीं हो सकी, जबकि भाजपा ने लोकसभा की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। ये तब है जब आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में 67 विधानसभा सीटें जीती थीं। इस नए चुनावी झुकाव से चिंतित होकर अरविंद केजरीवाल ने 2020 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी विधायकों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर उन्हें तैयारी करने को कहा है। केजरीवाल का संदेश साफ है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की छोटी सार्वजनिक सभाएं करनी होंगी और मतदाताओं को बताना होगा कि उन्होंने गलतियां की हैं और वो विधानसभा चुनाव में उसकी भरपाई कर लेंगे। और ये उस फैसले के बाद हुआ है जब लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा की ही चुनावी रणनीति को अपनाई थी और हर एक मतदान केंद्र पर 10 विजय प्रमुख नियुक्त किए थे। विजय प्रमुख जिन पर इलाकों के 10 घरों की पूरी जिम्मेदारी होती है, भाजपा पन्ना प्रमुख नियुक्त करती है। यानी कि पन्ना प्रमुख वो पार्टी कार्यकर्ता जो मतदाता सूची के एक पूरे पन्ने का प्रभारी होता है। पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए सुना गया कि 2020 के दिल्ली चुनावों में केजरीवाल की टीम हिस्सा लेगी, व्यक्तिगत विधायक या उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर सवार होकर। आप पार्टी ने 2013 में राजनीति में प्रवेश किया, इसने 28 सीटें हासिल की जो भाजपा के बाद दूसरे स्थान पर रही, जिसने दिल्ली में अल्पसंख्यक सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था। आप पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई जिसके 70 सदस्यों के विधानसभा में 8 विधायक थे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने लेकिन सरकार 49 दिनों से ज़्यादा नहीं चल सकी और अरविंद केजरीवाल ने लोक बिल के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया जो दिल्ली विधानसभा में पारित नहीं हो सका था। दिल्ली चुनाव में देरी हुई और 2014 का लोकसभा चुनाव बीच में ही लटक गया। भाजपा ने दिल्ली के सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस तीसरे स्थान पर धकेल दी गई। 2014 में मजबूत मोदी लहर के बावजूद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की औसत वोट शेयर 32.90% था, जबकि 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने 95% से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 67 सीटें जीती, जबकि दूसरी 3 सीटें भाजपा के हिस्से में आईं और कांग्रेस शून्य पर रही। तब से आम आदमी पार्टी ढलान की ओर है। 2017 में नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2015 में 54.3% से घटकर 26% हो गया, यानी आधे से भी कम। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डाले गए कुल वोटों का केवल 18.1% ही मिला। कुल मिलाकर ये कांग्रेस से पीछे तीसरे स्थान पर रही, जिससे 22.5% वोट मिले थे। भाजपा को दिल्ली के सभी 7 सीटों पर 50% से भी अधिक वोट मिले, जिसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सबसे ज़्यादा 60.49 वोट मिले, चांदनी चौक में कांग्रेस का सर्वाधिक वोट शेयर 29.67% था और आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट शेयर 26.35% दक्षिणी दिल्ली में रहा। जबकि टीम केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव की सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी 70 में से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त नहीं ले सकी। भाजपा 65 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही, जबकि अन्य 5 पर कांग्रेस। दिल्ली के 5 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर आकर कांग्रेस को जीवनदान मिला, तो वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर ही रनर अप रही। कांग्रेस 5 साल पहले सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने संगम बिहार और अम्बेडकर नगर जैसी झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों से अपना जनाधिकार खो दिया है। इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किया, जबकि कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में खुद को मजबूत किया है। 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता ही इन सीटों पर जीत तय करते हैं। इनमें से चांदनी चौक, बल्लीमारन, मतिया महल, सीलमपुर और ओखला में कांग्रेस ने बाजी मारी, जबकि बाकी 2 बाबरपुर और मुस्तफाबाद में भाजपा ने। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शिकायत की थी कि रातों रात सारा मुस्लिम वोट
आपसे कांग्रेस की तरफ चला गया। इससे ये साबित होता है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में आप गंभीर संकट में है। लोकसभा चुनाव टीम केजरीवाल और आप पार्टी के लिए एक वेकअप कॉल है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।